I'm
पूजनीय स्वर्गीय बापू जी श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी को अपने श्री चरणों में स्थान ग्रहण कराएं, उन्हें अपने गोलोक वास का अखंड निवासी बनाएं और नित्य गोलोक की लीला उनको अपने श्री नेत्रों से दर्शन प्राप्त हो, ऐसा मैं भगवान श्री नंद नंदन के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा। विगत अष्ट दिवस पूर्व श्री गरुण पुराण का पाठ रखा गया था, आज उसका यहाँ पर संपूर्ण होगा। अंत में 16 अध्याय का जो महात्म्य है उसको भगवान विष्णु गरुण जी से कहते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुण, मैं जब और दैहिक क्रिया तुम्हें सुनाऊंगा जिसको 10 दिन के भीतर सुनकर मनुष्य भर्गो देवश्च धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओ भक्ति दी सहायता करने विच ओ संस्थावां अपना योगदान पा रही। ਹੋਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
Thank you.
Thank you.
I'm
Thank you.
Thank you.
सन काल कूटम जिज्ञान सया पाय यद प्यसादवी लेहे गतिम धातु चुकाम ततुन्यो कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्र दयालु नान्यं दाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने परमपिता परमात्मा बाल कृष्ण श्री हरि भगवान श्री राम की श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज भगवान से निवेदन करूँगा पूजनीय स्वर्गीय बापू जी श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी को अपने श्री चरणों में स्थान ग्रहण कराएं, उन्हें अपने गोलोक वास का अखंड निवासी बनाएं और नित्य गोलोक की लीला उनको अपने श्री नेत्रों से दर्शन प्राप्त हो, ऐसा मैं भगवान श्री नंदनंदन के श्री चरणों में प्रार्थना करूँगा। विगत अष्ट दिवस पूर्व श्री गरुण पुराण का पाठ रखा गया था बाबूजी की, आज उसका यहाँ पर संपूर्ण होगा। अंत में 16 अध्याय का जो महात्म है उसको भगवान विष्णु गरुण जी से कहते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुण, मैं जब और दैहिक क्रिया तुम्हें सुनाऊंगा जिसको 10 दिन के भीतर सुनकर मनुष्य पुत्र की वांछित कामना को देने वाला और परलोक तथा इस लोक में सुख देने वाला है, जो नास्तिक अधम नर इस कर्म को नहीं करते हैं, उनका स्पर्श किया हुआ जल भी सुरा के तुल्य चांडाल के समान जानना चाहिए। इस पवित्र प्रेत कल्प को जो सुनता है और सुनाता है, ये दोनों ही पाप से छूट करके दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे गरुण, माता पिता के मरने पर जो पुत्र इसको सुनते हैं उनके माता पिता मुक्ति को प्राप्त होते हैं और वह पुत्र संतति वाला होता है। जिसने गरुण पुराण न सुना हो, गया जी में श्राद्ध न किया हो, जिसने ब्रसोत सर्ग न किया हो, उसे कैसे पुत्र कहा जाए? वह तीनों प्रकार के ऋण से कैसे छूटेगा? माता पिता को तारने में कैसे समर्थ होगा? इसलिए सब प्रयत्न से गरुण पुराण निश्चय ही सुनना चाहिए। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है और दुख का नाश करने वाला है, अतः इसे सदा सुनना चाहिए। इस गरुण पुराण को सुन करके इस पुराण के वाचने वाले को वर्णित अथवा भक्ति पूर्वक वाचक की पूजा करें। वाचक की पूजा करने से मैं भी पूजित होता हूँ। इति ही श्री गरुण पुराण। कबीरदास जी का एक बहुत ही उत्तम श्लोक है, दोहा है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पढ़े सो पंडित हो।
अधिकांश लोग इस दोहा के समझने में आंशिक चूक करते हैं। आंशिक क्या कहूं, 90% लोग जो हैं इस दोहा के मूल को जानने में, ढाई अक्षर प्रेम का तो लोग समझते हैं कि प्रेम कर लो, पता ही नहीं। मेरी अपनी अल्पबुद्धि कहो या मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसके द्वारा मैंने दो शब्दों को चयन किया है, ढाई अक्षर। सबसे पहला है सत्य, सपुरा का आधा और यह। एक तो यह है, कबीरदास जी का कहने का भाव ये था कि अगर आपके जीवन में सत्य को धारण कर लिया है तो फिर आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते। अगर आपके मन में सत्य है तो आपको पराजित कौन करेगा, ना आप मोहित हो सकते हैं, ना कामी हो सकते हैं, ना क्रोधी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की वासना आपको नहीं घेर सकती। क्योंकि सत्य जो है, जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो रहा था, जन्म हो रहा था, तो उस समय आकाश मंडल में देवता लोग एकत्रित हुए। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है, देवता लोग आकाश मार्ग में स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए, तो भगवान की स्तुति उन्होंने एक श्लोक से की। दसवें स्कंद का पहला श्लोक आता है कि सत्यम मृतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनिं निहति च सत्ये सत्यस्य सत्यम परनाम सत्यम सत्यात्मिकान्तं शरणं श्री कृष्णाय वयम नमः। और अगर प्रेम का दूसरा आप अक्षर देखें, आधा अक्षर वाला, तो मेरी बुद्धि में आता है राम, पूरा आपका मात्रा और पूरा मन। अगर आपके जीवन में राम शरणागत हो जाए, या आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान के राम के चरित्र को आपने जी लिया पूर्ण रूप से, तो भी आपका इस भूसागर से छूट जाओगे, इस बंधन में नहीं बंधे रहोगे। तो सत्य का वो शब्द प्रेम जो है, एक तो राम है और एक सत्य है। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, सभी से निवेदन करूंगा, दो मिनट मेरे साथ में हरिनाम संकीर्तन करें और उसके बाद पांच बार गायत्री मंत्र के बाद समाप्त करूंगा। शांति रंग।
शांति कवि शांति राधा शांति रोगदया शांति सरस्वतया शांति 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 भागराधिपति नमः कभी जब हम आए जगत में जग संसा हम रुए ऐसी करनी का चले श्री ओम प्रकाश जी दूसरा जी परमात्मा के चरणों में जाप लीन हुए हैं उन्होंने लोड़वंद लोगों के एक एम्बूलेंस जी है जिसकी जो लोड़वंदा की सहायता करने संस्थाव अपना योगदान पा रही हुसना परिवार वालों आप सब आप सब के रेडी होंगे हुए धनवादी हैं कि आपके दुख के समय में शरीक हो के सियाने कहते हैं कि दुख वंडिया घटता है तो सुख में जो शरीक हो सुख जोड़ा वो बढ़ता है तो आप में भी सुकून आता है कुछ शहर दिया संस्थाव जो समाज सेवा में लगिया हैं उन्होंने इन्होंने उस महान पवित्र आत्मा की शांति वास्ते ये माया जी है रूपी देन की है श्री बाबा लाल जी ध्यानपुर धाम वास्ते सहारा क्लब वास्ते और वृंदावन आश्रम जी वृद्ध आश्रम जी गौशाला बटाला जी श्री अंत महाविद्यालय अमृतसर
श्री कुष्ट आश्रम और इन्हां संस्थावां वास्ते जिहड़ा है इन्हां ने माया जिहड़ी है माया रूपी दान जिहड़ा है वो दिता है। और ये कुछ शुभ संदेश आए हैं श्री सहारा क्लब वालों, असी सब का हौसला परिवार वालों बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद है। रोम रोम रेड़ी है आप जी ने दुख में शरीक होकर दुख कटाने का यतन किया है। उस पवित्र आत्मा लिए आप जी ने अरदास करनी है कि परमात्मा उन्होंने चरणों में मास बख्शे और परिवार को भाणा मनन का बल बख्शे। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जी। भोजन प्रसाद जिहड़ा है वह परिवार वालों उत्थे सज के तैयार है जी। आप जी ने वो प्रसाद लैके जाना और ये सच्ची सुची एक श्रद्धांजलि होएगी कि असी अपने बजुर्गों की जिहड़ी सेवा है वो कर सकीए। मंदिर जाना सुभाग है, गुरुद्वारे जाना चंगा है, और जिहड़े साडे घर विच बजुर्ग हैं सिक्ख्या लैके चले हाँ कि जिहड़े इन्नी सेवा बहुत ही भावना नाल अपने बजुर्गों की करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद। हो गया।